पॉन्ड वाटर बॉडीज कहीं है क्या? पॉन्ड वाटर बॉडीज नहीं है। वाटर बॉडीज पूल कहीं है क्या? वाटर बॉडीज पूल है। हाँ जी है। सम के साथ आंसर, सम वाटर बॉडीज आर पूल, सम एक्स आर वाई, कहीं क्या आंसर था? सम वाई आर एक्स। ऑल तो हो ही नहीं सकता था, रिजेक्टेड। अब मिलाता हूं, टिक, क्रॉस, क्रॉस, क्रॉस। वाटर बॉडीज पे डबल क्रॉस आ गया, आंसर आ ही नहीं सकता। मतलब पॉन्ड और पूल का कोई आंसर डेफिनेट नहीं हो सकता, नीदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलोस। विलेजर फार्मर, पहले तो देखो कि एक साथ है क्या, विलेजर फार्मर, फार्मर विलेजर। सम एक्स आर वाई सा एक ही आंसर आता है, दैट इज कॉल्ड सम वाई आर एक्स, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, हटाओ। नेक्स्ट, और कहीं विलेजर फार्मर? नो फार्मर इज अ विलेजर, ऑल विलेजर्स आर फार्मर्स, ये भी गलत है। तो टू एंड फोर तो गलत हो गए। ओके, याद रखना इधर और का आंसर हमेशा क्लबिंग करने पर आता है, इंडिविजुअल पे इधर और कभी नहीं बनेगा। तो टू और फोर के बीच में इधर और कभी बनेगा ही नहीं, तो सेकंड गलत हो गया, फोर्थ गलत हो गया। अच्छा, फार्मर बिजनेसमैन कहीं है? विलेजर बिजनेसमैन, विलेजर बिजनेसमैन नहीं है। चलो मिलाते हैं, क्रॉस, क्रॉस, सम वाले पे क्रॉस, सम नॉट पे क्रॉस टिक होता है, टिक टिक। कॉमन टर्म फार्मर, मिनिमम एक टिक है। आंसर आते समय एक स्टेटमेंट है अफर्मेटिव, एक है नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव ही होना चाहिए, आंसर नेगेटिव होना चाहिए। ये रहा, ये तो रिजेक्ट हो गए, थर्ड तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा, अब ये स्टेटमेंट है सम, ये स्टेटमेंट है नो, तो दोनों को मिलाने पर सम ही आएगा, एक पर्टिकुलर है एक यूनिवर्सल है, तो सम आएगा। ये तो नो से शुरुआत हो रहा है, रिजेक्ट। मतलब हमारे रूल्स गड़बड़ हुए। अब जैसे रूल्स गड़बड़ हुए, टू और फोर तो किसी हालत में मेरे आंसर होंगे नहीं, हो तो सोचो ही मत। इन दोनों में गड़बड़ क्या हो गई? क्योंकि एक रूल गड़बड़ हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, वही ढूंढेंगे। देखो, ये नो वाला स्टेटमेंट है और ये सम वाला है, तो मैंने बताया था एक नेगेटिव होना चाहिए, एक अफर्मेटिव है, एक यूनिवर्सल होना चाहिए, एक पर्टिकुलर होना चाहिए है। ये विलेजर है, यहाँ भी विलेजर है, ये बिजनेसमैन है, यहाँ भी बिजनेसमैन है, सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो मेरा आंसर होगा ईदर वन और थ्री, थर्ड ऑप्शन। ऑथर एडिटर एक साथ ढूंढो, ऑथर एडिटर नहीं है, इसको भूल जाओ। एडिटर एम्प्लॉयड, एडिटर रिच, एडिटर एम्प्लॉयड नहीं है, भूल जाओ। एम्प्लॉयड रिच, एम्प्लॉयड रिच नहीं है, भूल जाओ। इंडिविजुअली कोई आंसर नहीं आ रहा, इन दो को मिलाते, क्रॉस, क्रॉस, टिक, क्रॉस। एडिटर और एडिटर पे एक टिक काम बन गया, डबल टिक होने से कोई खास एडवांटेज नहीं है, हमें एक टिक से काम बन जाएगा। अब हमारे आंसर में ऑथर और एम्प्लॉयड आनी चाहिए, ऑथर और एम्प्लॉयड एक तो यहां है और ऑथर और एम्प्लॉयड यहां है। ये है अफर्मेटिव, ये है अफर्मेटिव, तो आंसर भी अफर्मेटिव होना चाहिए, दोनों अफर्मेटिव है। ये है पर्टिकुलर, ये है यूनिवर्सल, तो आंसर पर्टिकुलर होना चाहिए, ये हट गया क्योंकि ये यूनिवर्सल है, ये बच गया। अच्छा, यहां पर भी मैं लगा देता हूं क्रॉस, क्रॉस। ऑथर्स पे क्रॉस है तो आंसर में क्रॉस आना चाहिए, आ रहा है। एम्प्लॉयड पे क्रॉस है तो आंसर पे क्रॉस आना चाहिए, आ रहा है। थर्ड कंक्लूजन तो फॉर श्योर ट्रू होगा। अब मैं काम करता हूं, इन दोनों को मिलाता हूं, टिक, क्रॉस, क्रॉस, क्रॉस। प्रॉब्लम क्या हो गई? कॉमन टर्म पे डबल क्रॉस आ गया, तो मैं किसी भी हालत में एडिटर और रिच पर डेफिनेट कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकता। तो ये आंसर फॉर श्योर रिजेक्टेड है इंडिविजुअली, ये आंसर फॉर श्योर रिजेक्टेड है इंडिविजुअली, बट क्या ये इधर और की कैटेगरी वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है? देखो जरा, एक नो नेगेटिव है, एक अफर्मेटिव है, एक यूनिवर्सल है, एक पर्टिकुलर है, एडिटर एडिटर, रिच रिच, सारी कंडीशन फुलफिल होगी। तो मैं क्या कहूंगा कि थर्ड तो गारंटेड ट्रू था और वन और फोर में इधर और का रिलेशन है, तो थर्ड एंड इधर वन और फोर, फोर्थ ऑप्शन विल बी द आंसर फॉर माय क्वेश्चन। शुड यूथनेशिया, यूथनेशिया कहलाता है मर्सी किलिंग, इच्छा मृत्यु, सुसाइड अलग वर्ड है, यूथनेशिया के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जुड़ी हुई है। सो शुड यूथनेशिया बी लीगलाइज्ड? ओके, यस, हाँ, इसको लीगलाइज कर दो। Patients with terminal illness experiencing immense suffering with no hope for recovery. कुछ चीजों पर ध्यान देना। वो पेशेंट जिनको टर्मिनल इलनेस है,
एकदम एक्सट्रीम लास्ट स्टेज मान लीजिए, जबरदस्त सफर कर रहे हैं एंड देर इज नो होप, एब्सोल्युटली नो होप फॉर रिकवरी, शुड बी लिबरेटेड फ्रॉम द सफरिंग। यूथेनेशिया के लिए कह रहे हैं वो लोग जो लास्ट स्टेज में बीमारी के बहुत परेशान हैं, तकलीफ में हैं, और उनके कोई उस तकलीफ का इलाज हमारे पास नहीं है, तो उस जिंदगी को 6 महीने और एक्सटेंड करके उन्हें तकलीफ दी जाए, उससे अच्छा है उन्हें सम्मान के साथ जाने की परमिशन दी जाए, लिबरेटेड फ्रॉम द सफरिंग, राइट। तो यस, ये एक आर्ग्यूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है, बिकॉज इसके सपोर्ट में जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि एवरी पर्सन हैज अ राइट टू लिव विद डिग्निटी एज वेल एज अ राइट टू डाई विद डिग्निटी। ये आर्ग्यूमेंट दो आप पसंद ना करें, एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि जिस कॉज को हाईलाइट कर रहा है उस कॉज के पीछे की वजह बिल्कुल क्लियर है। नो, यूथेनेशिया इज अ सॉर्ट ऑफ मर्डरिंग अ पर्सन, बात सही है, आप यूथेनेशिया दे दिए तो एक तरह से मर्डर, एंड मर्डर इन एनी फॉर्म के नॉट ऑब्टेन लीगल सैंक्शन। लॉजिकली तो ये भी सही है कि आपने किसी को तय कर दिया, आप होते कौन है तय करने वाले, आज होप नहीं है, हो सकता है 2 दिन बाद कोई होप जनरेट हो जाए, ये आर्ग्यूमेंट भी वैलिड। सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग। इन स्पाइट ऑफ मेनी अटेम्प्ट्स टू अट्रैक्ट फॉरेन टूरिस्ट, द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट स्टिल गोइंग डाउन। कौन कर रहा है एफर्ट? टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो एफर्ट्स कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ मेनी अटेम्प्ट्स टू अट्रैक्ट फॉरेन टूरिस्ट। अब टूरिज्म डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग, हो सकता है जो गवर्नमेंट बॉडी के लोग हैं वो, हो सकता है कोई एक प्राइवेट बॉडी हो सकता है टूर ऑपरेटर्स हो सकता है होटल्स इंडस्ट्री के लोग हो सकता है मे बी दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, बट इट इज नॉट देयर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। अपने देश में टूरिज्म बढ़ाने के लिए सबसे पहला जो इन्वॉल्वमेंट, जो पहला मेन रिलायबल फ्रंट होता है, वो होता है आपका टूरिज्म डिपार्टमेंट। सो इन स्पाइट ऑफ मेनी अटेम्प्ट्स टू अट्रैक्ट फॉरेन टूरिस्ट, मतलब वो काफी कोशिश कर रहे हैं पर फॉरेन टूरिस्ट स्टिल गोइंग डाउन। The Department of Tourism has launched many schemes to attract foreign students. ये हम very fairly assumption को valid मानेंगे, क्योंकि बार-बार लिखा many attempts. There is no attempt to improve interstate tourism to attract local tourists. We do not know because author do not talk about, it does not talk about the interstate tourism. It is right now talking about the foreign tourists. So we do not know कि interstate tourism के लिए कोई effort डाला गया है या नहीं डाला गया है, तो हम assume नहीं कर सकते. Only assumption one is. एक क्वेश्चन पूछा है हाउस अंकुश रिलेटेड टू प्रियंका, और दो स्टेटमेंट्स गिवन है और यहां आंसर दिया है स्टेटमेंट वन अलोन टू अलोन बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट बोथ टुगेदर आर नेसेसरी। जल्दीबाजी में रीड मत करिएगा क्योंकि हो सकता है सेकंड क्वेश्चन में ये जो ऑर्डर है ये चेंज हो जाए। ओके, अंकुश आंट इज द वाइफ ऑफ मोहन हु इज ब्रदर ऑफ विराट। ओके, तो एक काम करते हैं विराट को रिप्रेजेंट कर देते हैं वी से। क्या मैं नाम से जेंडर का पता कर सकता हूं? कर तो सकते हैं लेकिन जनरली अवॉइड करिएगा उसको। ओके, मोहन इज ब्रदर ऑफ विराट। सो मोहन ब्रदर है किसके? विराट के। अंकुश आंट इज वाइफ ऑफ मोहन, वाइफ ऑफ मोहन, ये जो इनकी आंट है अंकुश की वो मोहन की वाइफ है, तो ये अंकुश है। अब प्रियंका से रिलेशन पूछा गया है, प्रियंका तो मुझे मालूम ही नहीं कि कौन है प्रियंका, अभी तक प्रियंका तो इस स्टेटमेंट में आई नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। आप अज्यूम नहीं कर सकते कि हम ये आंट जिसकी बात करें वो प्रियंका ही है। ओके, चलिए अब मैं जब सेकंड स्टेटमेंट देखूंगा तो मेरे लिए फर्स्ट एग्जिस्ट नहीं करता। मोहन्स फादर, मोहन्स फादर, ये लीजिए मोहन के फादर, हैज टू सन्स एंड अ डॉटर नेम्ड प्रियंका। इनके दो सन है और एक डॉटर है जिसका नेम है प्रियंका, तो मोहन एक बात तो कंफर्म है, सन हो गए, एक सन और है, कौन है मालूम नहीं। इस स्टेटमेंट में मुझे अंकुश के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इवन सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। अब इन दोनों को क्लब करते हैं इस जानकारी। ओके, मोहन की जो वाइफ है वो आंट है किसकी? अंकुश की। और मोहन ब्रदर है किसके? विराट के, तो मैं यहां विराट कह सकता हूं। पर एक बात तो कंफर्म है कि जो अंकुश है वो मोहन के सन नहीं या मोहन की डॉटर नहीं, अगर नाम मान लीजिए हम नाम के साथ चलते हैं जेंडर के साथ, वैसे तो आप जज कर सकते हैं। इसका मतलब है अंकुश या तो यहां है या अंकुश यहां, करेक्ट। सो मैं रिपीट करता हूं, अंकुश आंट इज द वाइफ ऑफ मोहन, मोहन हु इज ब्रदर ऑफ विराट। बताइए क्या हमारे लिए
ये दोनों स्टेटमेंट्स को मिला के हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया रिलेशन में? हाउस अंकुश रिलेटेड टू प्रियंका, राइट? देखिए जरा, अंकुश अगर मैं यहां प्लेस कर दूं, क्या मेरी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है? इनके फादर के ब्रदर और ये इनकी वाइफ, ये क्या कहलाएंगे? इनकी आंट। उस केस में अंकुश और प्रियंका का रिश्ता क्या होगा? ये होगा, ये आंट हो गई और ये मे बी नेफ्यू हो गया है इनका। लेकिन अगर अंकुश को मैं यहां प्लेस कर दूं तो क्या दिक्कत होगी? अंकुश को अगर हमने यहां प्लेस कर दिया तो उस केस में प्रियंका और अंकुश का रिलेशन क्या होगा? मदर एंड सन का। तो मेरे ख्याल से यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए इवन बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। थ्री गर्ल्स एबीसी, थ्री बॉयज डीईएफ, सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल फेसिंग द सेंटर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, सच दैट नो टू बॉयज आर नेबर्स। कोई दो बॉय नेबर नहीं है तो एक बॉय एक गर्ल, बिल्कुल वैसा ही अरेंजमेंट हमें यहां पर फोकस करना होगा। ओके, सो वी कैन अरेंज पोजीशंस 1, 2, 3, 4, 5 and 6। हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी? बी और सी के बीच में कौन बैठे? फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ए इज सिटिंग ऑपोजिट टू ई, ए इज सिटिंग ऑपोजिट टू ई। सो यहां पर और यहां पर मेल मेंबर्स होंगे, यहां पर और यहां पर ये फीमेल मेंबर्स होंगी। ए इज सिटिंग ऑपोजिट ई, ई हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ सी, ई इज सिटिंग टू द राइट ऑफ सी। अच्छा, ये सी हो गए तो यहां पर कौन होगा? बी, क्योंकि फीमेल के लिए बी के लिए सिर्फ यही एक पोजीशन बची है। तो हु इज एग्जैक्टली सिटिंग बिटवीन बी एंड सी? वी नो ई। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर माय क्वेश्चन। ओके, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट में जो जानकारी मिली है उसको आप भूल जाइए, वो अब आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करती है, उस डायग्राम को भी भूल जाइए। ओके, ए सिटिंग ऑपोजिट डी, ए एक फीमेल है, ए सिटिंग ऑपोजिट डी। अब जैसे ही डी यहां आ गए, ये और ये पोजीशन मेल मेंबर्स के लिए हो गई है और ये दोनों पोजीशन फीमेल मेंबर्स के लिए। ए सिटिंग ऑपोजिट डी, डी हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, डी बी के लेफ्ट में है। जब आप इस तरफ सेंटर देखते हैं तो ये पोर्शन आपका लेफ्ट कहलाता है और ये वाला पोर्शन आपका राइट कहलाता है। अगर यहां बी है तो यहां पर सी। नाउ हु इज सिटिंग? यस, वी कैन आंसर द क्वेश्चन दैट डी इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी, सेकंड स्टेटमेंट सफिशिएंट। तो मैं कहूंगा Either statement one alone or statement two alone is sufficient. Six objects हैं A, B, C, D, E, F. B is half as heavy as D. B is equal to D upon 2, which is 1.5 times as heavy as A. D is equal to 1.5 times as heavy as A. E is twice as heavy as A. Which object is the lightest? Now problem ये है, मुझे C के बारे में जानकारी नहीं है और मुझे F के बारे में जानकारी नहीं है। Okay? एक काम करते हैं, अगेन यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जिससे कैलकुलेशन हमारी थोड़ी आसान हो जाए। Let us say मैंने A को अज्यूम कर लिया है 2. 2 क्यों अज्यूम किया है? Because 2 into 1.5 करूंगा तो D की वैल्यू हो गई है 3. चलिए D की वैल्यू 3 यहाँ पुट करेंगे तो b की वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 1.5. व्हाट अबाउट e? e की वैल्यू ट्वाइस ऑफ a, क्या आ जाएगा आंसर में हमारा? 4. अभी c और f के बारे में जानकारी नहीं है। बोथ c एंड f टुगेदर आर 1.5 टाइम्स एज हैवी एज d. c एंड f टुगेदर, अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को देख रहा हूं, सो c एंड f की वैल्यू 4.5 है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये नहीं मालूम है कि इनमें से मे बी सी हो सकता है 4 हो और एफ 0.5 हो सकता है, ये 2.5 हो ये 2 हो, तो हम नहीं बता सकते कि इनमें से लाइटेस्ट कौन है, बिकॉज इनमें से कोई भी एक जना 1.5 से भी कम हो सकता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। व्हाट अबाउट सेकंड? द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ बी एंड सी इज 3:4। बी एंड सी का अगर वेट 3:4 है तो इससे हमें सेकेंड स्टेटमेंट से सी की वैल्यू मिल जाएगी। B और C का जो रेशियो है वेट्स का वो है 3:4, तो अगर मैं B को 1.5 लूंगा तो C को मुझे 2 लेना पड़ेगा। अभी भी मुझे F के बारे में जानकारी नहीं है तो सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। व्हाट इफ आई क्लब देम नाउ?
अब अगर मुझे मालूम है कि सी टू है तो एफ क्या हो जाएगा 2.5, और अगर मैं इन सारी वैल्यूज को कंपेयर करता हूं तो मुझे मालूम है लाइटेस्ट कौन है, बी, आई कैन आंसर द क्वेश्चन, सो बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नेसेसरी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ। इन अ रो ऑफ 30 स्टूडेंट प्रकाश इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ अपर्णा एंड विजय, कौन लेफ्ट में है कौन राइट में है हमें नहीं मालूम, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन प्रकाश एंड विजय। विजय इज नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो हम यहां पर कहेंगे कि विजय के लेफ्ट में टोटल 8 पर्सन है, सो विजय इज नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट, अपर्णा इज 8th फ्रॉम द राइट, यहां पर 7 पर्सन है, नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड 8th फ्रॉम द राइट, तो इधर 7 पर्सन होंगे। नाउ 8 एंड 1 9, 9 एंड 1 10 एंड 7 17, तो यहां पर बीच में 13 पर्सन होंगे। प्रकाश इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ अपर्णा एंड विजय, तो प्रकाश जो है वो यहां अगर हम लेते हैं तो इन दोनों के बीच में 6 पर्सन होंगे, इन दोनों के बीच में 6 पर्सन होंगे। क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन प्रकाश एंड विजय, यस वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन यूजिंग स्टेटमेंट 1 अलोन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज सफिशियंट। सेकेंड, इफ विजय हु इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट, विजय लेफ्ट से 7th है यानी यहां पर 6 पर्सन है, interchanges his position with Aparna, he will be 12th from the right. इसका मतलब वापस यहाँ पे क्या लिखा गया है कि Aparna right से 12th position पे है, यानी यहाँ पर 11 लोग। Information same है, बस data में यहाँ पे कुछ change हो गया है, तो मुझे आगे सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे विजय और अपर्णा की पोजिशन कन्फर्म है, प्रकाश इनके बिल्कुल बीच में है, तो मुझे मालूम है कि मैं उसकी एग्जैक्ट पोजिशन निकाल सकता हूँ और यहाँ पर कितने पर्सन है वो भी निकाल सकता हूँ, निकालने की जरूरत नहीं है, ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, ये डेटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है। तो हम कहेंगे अगर मुझे विजय की पोजीशन पता चल गई है, अपर्णा की पोजीशन पता चल गई, तो मैं प्रकाश की पोजीशन निकाल सकता हूं, एंड देयरफॉर इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है वो भी निकाल सकता हूं, सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज आल्सो सफिशिएंट। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन, ईदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। ए बी सी कैन कंप्लीट द टास्क इन एक्स नंबर ऑफ डेज, सो आई कैन से ए प्लस बी प्लस सी together can complete a task in x number of days. How many days would B alone take to complete the same task? Okay. A is twice as efficient as C. A की efficiency C की efficiency की twice है, and 1.5 times as efficient as B. A is 1.5 times as efficient as B. इस information से definitely I can answer the question. Why? जब आपको एफिशिएंसी का रेशियो पता हो तो आप उनका टाइम टेकन टू कंप्लीट अ टास्क पता कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए मैंने काम यहां पर किया, मैं ए की एफिशिएंसी लेट अस सी अज्यूम कर लेता हूं 6, क्यों, आई एम लुकिंग फॉर अ नंबर जो 2 और 1.5 दोनों से डिविजिबल, तो व्हाट अबाउट बी, 6 को 1.5 से डिवाइड करूंगा आई विल गेट 4, व्हाट अबाउट सी, 6 को 2 से डिवाइड करूंगा आई विल गेट 3। सी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि यहां पर मैं इसको आंसर कर सकता हूं। कैसे, ए पी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी आई कैन टेक एज 13, 6 एंड 4 10 एंड 3 13। क्वेश्चन पूछा गया बी जिसकी एफिशिएंसी 4 है वो उस काम को कितने दिन में करेगा, सो बड़ा सिंपल सा रूल है टाइम एंड वर्क का, लेस एफिशिएंट पीपल टेक मोर डेज टू कंप्लीट टास्क। तो एक्स को मुझे इंक्रीज करना है, रूल याद रख लीजिएगा, इंक्रीज करने के लिए जो आपका मल्टीप्लायर है उसका न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, 13 और 4 में 13 बड़ा है तो वो तो न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। अगर ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का होता तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करता, लेकिन क्योंकि ये डेटा सफिशिएंसी का था मुझे मालूम है कि जैसे ही ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो मुझे मिल गया है तो मैं इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी और इंडिविजुअल बी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूं, और निकालने के बाद मैं एक्स बी की वैल्यू निकाल सकता हूं कि वो कितने दिन में उस टास्क को कंप्लीट करेगा, मुझे एग्जैक्टली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, याद रखिए। नेक्स्ट, बी एंड सी कैन कंप्लीट द टास्क इन वाई डेज, ओके, ए बी एंड सी दे आर टेकिंग एक्स डेज, क्वेश्चन पूछा गया है बी कितने दिन में करेगा, यहां पे लिखा है बी एंड सी
can complete the task in y days. A and B can complete the same task in z days. और हमसे यहां पर किसके बारे में पूछा गया है? B के बारे में. ठीक है, क्या करें? देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो A plus 2B plus C आता है, और उसमें से A plus B plus C हटा देता हूं तो सिर्फ B बचता है. ना, पर क्योंकि आप days के बारे में बात कर रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते. अगर मान लीजिए क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में आ जाए तो आप ये नहीं कर सकते कि y और z को ऐड कर दें और x को सब्ट्रैक्ट कर दें. नो, दैट विल बी द रॉन्ग आंसर. इसको सॉल्व करने का जो तरीका क्या होगा, आप एक वर्क अज्यूम कर लीजिए, लेट अस से वो इन तीनों का प्रोडक्ट होगा. अगेन, अगर ये क्वेश्चन मैथ्स में आ जाता तो आप इसको ऐसे सॉल्व करते, या तो एलसीएम ले लेते या मैंने इसको तीनों का प्रोडक्ट ले लिया. ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डेज. अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन पर डे, कैन यू आंसर इट? To complete x into y into z units, right, this is the total work. B plus C take y days. So, inka one day work hoga this upon this, that is x into z. A or B ka one day work kya hoga? X into y. Aur A, B, C ka one day work kya hoga? Y into z. Agar main in dono ke one day work ko add kar dun, x into z plus x into y, और उसमें से इनका वन डे वर्क सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास में बी का वन डे वर्क आ जाएगा. और अगर कोई पूछे कि बी कुल कितने दिन लेगा, तो मैं टोटल वर्क को इसके वन डे वर्क से डिवाइड करूंगा. सी, अभी एक्स वाई जेड के कारण ही आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा. डेटा सफिशिएंसी में यू आर नॉट सपोज टू सॉल्व दिस होल क्वेश्चन. आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इस जानकारी से क्या आप वो वैल्यू निकाल सकते हैं जो आपसे पूछी गई है. अगर हाँ, तो ये डेटा सफिशिएंट है, वरना सफिशिएंट नहीं है. सो आई विल से थर्ड ऑप्शन विल बी माय आंसर.